नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये जीत बीजेपी की नीतियों की जीत है, साथ ही कहा कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था की जीत है। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गोला गोकर्णनाथ विधानसभा को मॉडल बनाएंगे, साथ ही सभी मतदाताओं को बीजेपी को जीत दिलाने की बधाई दी है। मैं गोला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीत पर वहां के प्रत्याशी आदरणीय हमनगिरी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और गोला के लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमनगिरी पर जो आपने भरोसा व्यक्त किया है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी पर भरोसा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं वो जन जन तक पहुंची है, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने स्थापित किया है। हम सब मिलजुल करके गोला को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे। स्वर्गीय अरविंद गिरी जी की योजना थी उसको अमली जामा पहना पाएंगे। इन्हीं लब्जों के साथ मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल अस्पताल में शनिवार की रात 1 बजे कुछ लड़कों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की और जमकर बवाल काटा, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ गया। इसके बाद मारपीट करने वाले कुछ लड़के भाग निकले, वहीं डॉक्टरों ने काफी देर तक इलाज को रोक दिया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, इसमें कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि लंका के पास सामने घाट क्षेत्र में रहने वाला एक युवक अपने दोस्तों और परिजनों के साथ रात 1 बजे अस्पताल पहुंचा था। उल्टी और बुखार होने की समस्या को लेकर वो इमरजेंसी वार्ड में आया था। अस्पताल में अटेंडेंट की डॉक्टर से स्ट्रेचर और दवा की बात को लेकर काफी कहा सुनी होने लगी। युवक का आरोप है कि इसी दौरान डॉक्टर ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी, जिसके बाद मारपीट शुरू कर दी गई। यूपी के बुलंदशहर में बेखौफ लुटेरों ने सराफा व्यापारी को गोली मारकर लाखों के आभूषण लूट की वारदात का अंजाम दिया है। इसका एक वीडियो सामने आया है। लुटेरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व हुई लूट की वारदात सीसीटीवी में ये कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। संभावित स्थानों पर पुलिस ने दबिश शुरू कर दी है। हरदोई के शहर कोतवाल के निलंबन की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने एसपी ऑफिस के गेट पर शहर कोतवाल का पुतला जला दिया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही बता दें कि नारेबाजी करते हुए शहर कोतवाल के निलंबन की मांग की गई है। वहीं पार्किंग स्टैंड चलाने वालों के साथ मारपीट भी की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल एसपी ऑफिस के गेट पर अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए शहर कोतवाल संजय पांडे का पुतला जलाया है। यहां पर अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि कल एसपी ऑफिस के गेट के ठीक बाहर पार्किंग स्टैंड चलाया जा रहा था, जहां संचालक के लोगों के द्वारा लगातार अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा है और कल बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ मारपीट की गई, लूट की गई, जानलेवा हमला किया गया और जब वो रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता भी की गई। यहां पे जो एसपी कार्यालय के बाहर ये अवैध तरीके फर्जी तरीके से जो स्टैंड चलता है, इस स्टैंड से जो भी किसी प्रकार से अवैध वसूली होती है, जिस प्रकार से भी चलता हो, यहां पे अधिवक्ताओं के साथ में कई बार इनके साथ अभद्रता की गई। कल मेरे साथ यहाँ जो यहाँ पर जो बैठा हुआ था, शायद जो भी था, वो जो संचालक था, कल उसके द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया स्टूल से। उसके बाद में हम जब यहाँ से गए शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देने के लिए, कल उसके द्वारा मेरे पास हाथापाई की गई, मेरी पूरी शर्ट फट गई थी और मेरी जान से मामले का हमसे हमला किया गया, मेरी पूरी शर्ट फट गई थी
और उसके बाद में जब हम प्रार्थना पत्र देने गए कई अधिवक्ता मेरे साथ थे, लेकिन वहाँ पुलिस जो वहाँ एसओ साहब थे, एसओ साहब को प्रार्थना पत्र दिया गया, उन्होंने संजय पांडे जी जो थे उन्होंने कहा ये प्रार्थना पत्र मैं नहीं लूंगा और कहा आप लोग भाग जाइए, मुझे पता है कि क्या हुआ। उन्होंने मैंने कहा क्या आपको वहाँ जाने से पहले ही आपको क्या वहाँ पर सब जानकारी विवेचना हो गई। उनके साथ हम लोगों को भगा देने का काम किया गया, अब तक गाली गलौज किया गया और जब तक उनका निलंबन नहीं हो जाता है हम लोग इसी प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक उनका निलंबन नहीं हो जाएगा। बार का ज्वाइंट सेक्रेटरी मेरे एक सदस्य के साथ सचकांत सिंह के साथ ये एसपी ऑफिस के बाहर जो अगर संचालन हो रहा है टैक्सी स्टैंड का, उनसे बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, लूटपाट की गई, जिसकी तहरीर हम लोग कोतवाली देने गए। मैंने कोतवाल से कहा कि मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी इसकी तहरीर दर्ज कर लीजिए। उन लोगों ने, कोतवाल साहब ने, अन्य दरोगाओं ने हम लोगों के साथ बदतमीजी के, बोले मैं किसी पदाधिकारी को नहीं मानता हूं और बहुत बदसलूकी का व्यवहार किया। हमने जब उनसे कहा कि पीड़ित है, बोले कोई पीड़ित नहीं, तहरीर चेंज करके लाइए, तहरीर बदलिए, नहीं तो मैं लिखूंगा ही नहीं। बिल्कुल पूरी तरीके से नकार गए और उन्होंने लिखने से मना कर दिया। न्याय व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त करके रखा है, इसलिए हम लोग शहर कोतवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं और सचकांत जी को न्याय दिलाने की मांग है और उनका निलंबन का चाहता हूँ। मेरा मांग है कि जी मेरी मांग है कि कल जो मेरा मेरी मांग ये है कि सचकांत सिंह से और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ को शहर कोतवाल संजय पांडे जी ने जो दुर्व्यवहार किया है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और साथ ही साथ एफआईआर लिखने से मना किया, इस विरोध में हम चाहते हैं कि उनका निलंबन हो और अगर निलंबन नहीं होगा तो आंदोलन जारी रहेगा। रायबरेली में नाली के विवाद में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया। बता दें कि मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरियावगंज गांव का है, जहां आज सुबह नाली विवाद में हुई मामूली कहासुनी में एक बड़े खूनी संघर्ष में बदल गई और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे। दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ में भर्ती करा दिया गया है। गांव का संघर्ष, ये खूनी संघर्ष सभी ने देखा। इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई, हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दो पक्ष मारपीट हुई, दरियावगंज का मामला है, एक तरफ त्रिभुवन पक्ष है, एक है अमर बहादुर का। कितने लोग घायल हैं? त्रिभुवन की तरफ 3 लोग हैं और अमर बहादुर दो लोग हैं। क्या सर अब यहां से कहीं भेजा गया है? हाँ, दोनों को इलाज कर दिया गया, उसके बाद रेफर किया गया जिला अस्पताल के लिए। जनपद कानपुर देहात में न्यायालय परिसर में जिला जज लालचंद्र गुप्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे कि आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी हो सके और अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जा सके। जनपद में 9 नवंबर से 12 नवंबर तक राष्ट्रीय लोक अदालत और ऑप्टिशियन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नोडल अधिकारी अमरजीत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संजीव संगीता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौता द्वारा अधिक से अधिक यादों का निस्तारण किया जाएगा, जिससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके। श्री लालचंद गुप्ता जी और आदरणीय सम्मानित संगीता मैडम, सचिव के दिशा निर्देश और करकमलों में ये वाहन वो पंपलेट का वितरण इस आशय से किया जा रहा है कि इस लोक अदालत का भरपूर प्रचार प्रसार हो और सस्ता सुलभ न्याय पाने के लिए किसी कोई भी ये कहने के लिए ना रहे कि हमको जानकारी में नहीं था। इस सब उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में वादों को निस्तारण के लिए ये सब प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सर, ऐसे में किन तरह के मामलों को निपटाया जाता है? उसकी पूरी लिस्ट है और लिस्ट का पंपलेट हमने आपको कहा है, उसमें ज़्यादातर पेटी ऑफेंसेस और जो समनीय मामले हैं वो सब मामले हम लोग निपटाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। मेरी जनता से अपील है माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के बिहाफ पे कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और अपना मामला निस्तारित कराएं। मुकदमों के निस्तारण के लिए जो संक्षिप्त सरल और कम खर्चीली प्रक्रिया अपनाई गई है, उससे संबंधित समस्त बात कार्यों और जनता को जानकारी देने के लिए ये सब प्रोग्राम किया जाता है, ताकि लोग सस्ता सुलभ न्याय समय सीमा के अंदर, माने कम समय के अंदर प्राप्त कर सके।
भदोही के चौरी क्षेत्र में युवक का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि युवक दो दिन से लापता था। बताया जाता है कि दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद युवक लापता हो गया था। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मनीष पांडे नाम का लड़का है जो बड़ागांव थाना क्षेत्र वामसी का रहने वाला। उसकी फैमिली पूरी फैमिली मुंबई में सेटल है, वहाँ पे लोगों का बिजनेस व्यवसाय है। ये वहीं पे एक लड़का यहाँ चोरी का रहने वाला कैफ नाम का लड़का है, जिससे उसकी फ्रेंडशिप थी। और ये जैसा कि इनके परिजन बता रहे हैं, ये लड़का 2 तारीख को वहाँ से चला था, 3 को 4 को सुबह यहाँ पे पहुँचा वाराणसी, और काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद वो यहाँ पे आया है, चौरी आया और अपने दोस्तों के साथ इसमें यहाँ पे रुका था। और रात में शायद ये लड़का यहाँ से गायब हुआ, तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया। आज सुबह उसका शव जो है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे ट्यूबवेल है, गहरा कुआं है, करीब 50 फीट गहरा है, उसमें उसका शव मिला है। अभी तक प्रथम दृष्टिया से अभी हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि चोटें क्या है वो चोटों के हिसाब से ही होगा, क्योंकि कुआं भी बहुत गहरा और कुएं के अंदर जो है एक रेलिंग लगी हुई, बहुत मोटी सी रेलिंग, कि हो सकता है कि अगर ऊपर से कोई आदमी गिरे या गिराया जाए दोनों कंडीशन है तो उससे चोटें आ सकती हैं। अभी उसको राइट शोल्डर पर चोट है और गहरे पानी में था। तो ये पोस्टमार्टम और जाँच की बात चल रही। दिल्ली से ग्वालियर जा रही दिव्यांशु ट्रेवल्स की डबल डेकर बस खंदौली के यमुना एक्सप्रेसवे पर नीचे उतरते समय आगे चल रहे सरिया से भरे ट्रॉला में पीछे से भिड़ गई, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं एक दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हो गई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवा दिया है। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बस में फंसे चालक को कड़ी मशक्कत के बाद, घटना के 4 घंटे के बाद बस को काटकर बाहर निकाला जा सका है, जहां बस चालक की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। कानपुर में रोडवेज बस पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। शनिवार को रात 11 बजे मेरठ से कानपुर यात्रियों को लेकर बस जा रही थी। बस जैसे ही इंदिरा नगर मोड़ के पास रुकी तो वहां सड़क किनारे खड़ी महिला से बस छू गई। इससे महिला को गुस्सा आ गया। महिला ने बस चालक और कंडक्टर पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इतने पर भी महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने बस में अंदर पत्थर मारने शुरू कर दिए, जिससे कि बस के शीशे टूट गए। बस में बैठे यात्री जान बचाकर भागने लगे। हिमाचल चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे ने राज्य को चुनावी माहौल से सराबोर कर दिया है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने रैली कर कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। दोनों पार्टियों के बड़े नेता धीरे धीरे चुनावी मैदान में आ रहे हैं। वहीं बात करें हिमाचल की तो राज्य में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज है, लेकिन बीजेपी इस रिवाज को तोड़ने का दावा कर रही है। तो वहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर सरकार में आना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। विधानसभा में 68 सीटों के लिए कुल 413 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। नाम वापसी के आखिरी दिन 92 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। इसके बावजूद मंडी की 10 में से 3 सीटों पर बीजेपी को बागी उम्मीदवार का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की सिराज सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मैदान में हैं। तो वहीं उनके खिलाफ कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को टिकट दिया है।
इसके अलावा दिग्गज नेता दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर शिमला ग्रामीण सीट से मैदान में हैं। तो उनके खिलाफ बीजेपी ने रवि मेहता को उतारा है। प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर को मंडी जिले की तरंग सीट से कांग्रेस ने फिर प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 46, दूसरी लिस्ट में 17 और तीसरी लिस्ट में 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। तो वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट में 62 और दूसरी लिस्ट में 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हमारे पास विकास का मॉडल है जिसके लिए पिछले चुनाव में जनता ने चुना था और आगे भी विश्वास है कि जनता अपना आशीर्वाद बीजेपी को ही देगी और पार्टी राज्य में एक बार फिर सत्ता में आएगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में बहुत विकास हुआ। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य ने चहुंमुखी विकास किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है और हमको समर्थन भी सबका मिलता है, इसलिए सबका समर्थन मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण आपको देखने को मिला ही है। सर्वे रिपोर्ट्स भी आपके बोल ही रहे हैं। आगे देखिए, चुनाव जैसे बढ़ता है हम आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। क्या इश्यूज? अब इश्यूज आपको मालूम ही है, डेवलपमेंट हमारा इशू है और कुछ दिनों में हमारा विजन डॉक्यूमेंट आएगा जिसमें आपको सारी चीजें सामने होंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल के सोलन से प्रचार की शुरुआत कर रही है। उन्होंने जयराम सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगा दिया है। साथ ही ये भी कहा कि जयराम सरकार में पीपीटी घोटाला करके युवाओं को ठगने का काम किया गया जिससे कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ी तो वहीं किसानों को उसकी फसल का उचित दाम तक नहीं मिला जिससे कि प्रदेश में किसानों की हालत और भी बदतर होती जा रही है। कांग्रेस महासचिव ने ये भी आरोप लगा दिया कि सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और उसे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब बीजेपी सरकार केवल प्रचार पर पैसा खर्च कर रही है, जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर काम करेगी और सेब के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जिससे कि लोग सेब की खेती की तरफ आकर्षित होंगे। नौजवान बेरोजगार हैं, यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैं जिस से मिलती हूँ, बीए पास, एमए पास, नौकरी है, रोजगार है, नहीं है जी, यही जवाब मिलता है। तो जो अपने भविष्य के लिए एक नौजवान ये उम्मीद नहीं रख सकता, जो मेरी नौजवान बहनें पढ़ती हैं, लिखती हैं, आप सब उनको उनकी परवरिश करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उनको नौकरी मिलेगी, तो कैसी सरकार है ये? न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न कर्मचारियों के लिए है। बागवानों को देखिए, आज जैसे मैंने कहा, फसल के दाम, सेब के दाम, आप यहाँ पे टमाटर उगाते हैं, मशरूम उगाते हैं, इस सब के दाम बड़े बड़े उद्योगपति तय करेंगे। आपको अपने फसल का दाम नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह से छोटे व्यापारियों को देखिए, छोटे व्यापारी से पूछिए, क्या आपकी तरक्की हुई है 5 सालों में? सब सर हिलाएंगे, तरक्की नहीं हुई। अब आपको बता दें कि हिमाचल की राजनीति की बात करें तो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता इस चुनाव में सक्रिय नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, तो वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जिसको मनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा गए थे और कहा यह जा रहा है कि नड्डा के दौरे के बाद शांता कुमार मान गए हैं। तो वहीं हिमाचल से ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आते हैं, इसलिए चुनाव में हार जीत का परिणाम उन्हें भी प्रभावित करेगा। इसलिए चुनाव के विगुल बजने के बाद भी जेपी नड्डा प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं और पार्टी को एकजुट करने में लगे हैं। तो वही राज्य के मुखिया जयराम ठाकुर का ये कहना है कि हिमाचल की जनता विकास को वोट करेगी, हमें उम्मीद है कि राज्य की जनता एक बार फिर अपना आशीर्वाद देगी। साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर वन रैंक वन पेंशन को लटकाने का आरोप लगा दिया। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार में ही नई पेंशन योजना लागू हुई और आज कांग्रेस पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रही है। कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए ये भी कहा कि जनता कांग्रेस के बहकावे में आने वाली नहीं है।
सबसे पहले तो कांग्रेस वालों को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ही लागू की थी। ओपीएस खत्म करके एनपीएस लागू करने वाले 2003 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, शायद उनकी यादाश्त जो है वो रही नहीं, भूल गए वो इस बात को कि उनकी ही सरकार के वक्त जो है ओपीएस खत्म हुई, एनपीएस लागू की गई। और आज वो उस मुद्दे को कह रहे हैं कि हम आपको ओपीएस देंगे। वीरभद्र सिंह जी 2003 के बाद 2013 में फिर से मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के, तो लागू करनी तो उस वक्त कर सकते थे। और आज 20 वर्षों के बाद ओपीएस लागू करने की बात कह रहे हैं, और ऐसे हालात में कह रहे हैं जहां पूरे देश भर में किसी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है उनके पास, दिन दो राज्यों में सरकार है, वो राज्यों ने घोषणा करके रखी है, कागजी कार्यवाही करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद एनपीएस अभी तक लागू हुई नहीं वहां पर और होने की संभावना नहीं है। और वहां के मुख्यमंत्री बार बार प्रधानमंत्री जी के सामने गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद करो, हमने घोषणा कर दी है ओपीएस लागू करने की, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम इसको लागू कर सके। और ऐसे में जब लागू नहीं कर सकते थे तो राजनीतिक मकसद के लिए ही उनने जो कुछ किया है, इसलिए कर्मचारी भाइयों से मेरा इस बात के लिए विनम्र आग्रह है कि उनके बहकावे में ना आए, गुमराह ना हो, लागू करने की बात आएगी इसको, इसका व्यवहारिक पक्ष हमको आने वाला। कांग्रेस भी अपने बड़े नेता वीरभद्र सिंह के बिना चुनाव में उतर रही है। कांग्रेस की कमान वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह संभाल रही है, तो वही राजीव शुक्ला संगठन का काम देख रहे हैं। कांग्रेस इन दोनों गुटबाजी के दौर से गुजर रही है। पार्टी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि जो लोग पार्टी में गुटबाजी का हल्ला मचाते हैं और फिर खुद ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। 2021 के उपचुनाव में भी यही हुआ, लेकिन इस बार बीजेपी के नेता सिर्फ दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे बल्कि इनका पूरी तरह एक्सीडेंट होने वाला है। साथ ही बीजेपी की हिमाचल में रिवाज बदलने की संबंधी इलेक्शन कैंपेन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ये रिवाज नहीं, राज बदलने वाली बात है। सुखू का कहना है कि बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। बीजेपी केवल झूठे वादे करती है और जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं करती। साथ ही प्रेम कुमार धूमल से भेदभाव करने का भी आरोप लगाया गया। कहा गया है कि जब चुनाव हारने के बाद पुष्कर सिंह धामी दोबारा सीएम बन सकते हैं तो धूमल क्यों नहीं बन सकते। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीते साल के हुए मंडी लोकसभा के उपचुनाव में जिस सीट को बीजेपी ने 4 लाख वोटों के अंतर से जीता था, उस सीट पर बीजेपी की हार हो गई। साथ ही बीजेपी की सरकार पर परीक्षा भर्ती घोटाले पर कार्रवाई भी है, इसलिए इस चुनाव में कड़ा मुकाबला होगा। दूसरे चुनाव लड़ने की जो मशीन उन्होंने अपने आप को बनाया है, एक चुनाव खत्म होता है आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं, सालों साल काम करते रहते हैं, रात दिन काम करते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ 3 विजिट करके ऑलरेडी जा चुके हैं, इतने छोटे राज्य में प्रधानमंत्री के 3 दौरे हो चुके हैं, हल्के से नहीं ले सकते और उनमें गैर गंभीरता नहीं पा सकते। तो अब इस पूरी परिस्थिति में देखना होगा, यहाँ हिमाचल में जो पहाड़ी इलाके हैं, यानी जो ऊपर वाला हिमाचल है, हिमालय की ओर वाला, वहां आबादी कम है, सीटें कम है। शहरी इलाकों में और हिमाचल की तराई में आप कह सकते हैं निचले हिमाचल में ज्यादा सीटें हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस छोटे से राज्य में प्रधानमंत्री की अब तक 3 सभाएं हो चुकी हैं। बीजेपी का पूरा अमला चुनाव के इतिहास को बदलने के मोड़ में है, पर मुकाबला कड़ा होगा। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही राज्य में सियासी पारा उफान पर है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। वहाँ बीजेपी अपनी डबल इंजन की सरकार पर जीत का भरोसा जुटा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जयराम सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार बता रही है और जनता से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जनता किसको सत्ता की चाबी देती है और कौन हिमाचल का नया सरदार होता है। न्यूज डेस्क, आर्यन। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।